कि बेसिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 20 को टाइप किया और इस 20 और यहाँ पे 30 को टाइप, अब मैं 20 को कॉपी किया और 30 के ऊपर पेस्ट कर दिया, नॉर्मली 30 रिप्लेस हो गया। अब चलिए पेस्ट को छोड़ के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट स्पेशल में हमारे पास कैलकुलेशन होता है, इसमें ऑपरेशन दिख रहा है, मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने से क्या हुआ कि जहां से कॉपी हुआ है और जहां पे पेस्ट हुआ है उनके बीच में एडिशन होगा और रिजल्ट 50 यहां पेस्ट हो जाएगा। एक बार और मैं बताता हूं, राइट क्लिक किया पेस्ट स्पेशल और इस पे मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्या होगा कि यहां और यहां के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा और रिजल्ट जो है यहां पे पेस्ट हो जाएगा जो कि है 1000। ठीक है, जी तो आपने सीखा कि कॉपी करके पेस्ट करते समय अगर हमने पेस्ट स्पेशल का यूज चूज किया, उसमें ऑपरेशन का यूज किया, तो जहां से कॉपी होगा वहां पे पेस्ट हो जाए। यहां आपने फीचर सीखा। और जहां तक मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, कि टीचर्स जो है आपको यही सिखाएगा, कोई भी टीचर्स आपको यही चीज सिखाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि इसको सीखने का क्या फायदा, इसका हम अपने ऑफिस में क्या यूज करेंगे। लेकिन एक वर्किंग प्रोफेशनल इसका एक सटीक एग्जाम्पल बताएगा जो कि मैं बताने जा रहा हूं। उससे पहले हम सीखेंगे परसेंटेज के बारे में। एक्सेल के अंदर अगर परसेंटेज लिखना चाहते हैं, मैंने यहां पे 20% लिखना है, तो 20 और परसेंट का सिंबल डाल के एंटर डाल, तो आप देखिए 20% हो गया। अगर मैंने 20 मैनुअल लिख दिया एंटर या 30 मैनुअल लिख दिया और इसको सिलेक्ट किया और परसेंट का सिंबल लिख कर दिया, तो 3000% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू 100% होता है। मुझे बाद में परसेंटेज लगाना है तो 0.30 डेसिमल में लिखना होगा, उसके बाद सिलेक्ट करके परसेंट लगा सकते हो। तो यहां आप सीख रहे हैं कि जब परसेंट टाइप करेंगे तो टाइप करते समय परसेंट टाइप कर दे, अगर नंबर है आपको तो उसको परसेंट करने में आपको उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, या फिर टाइप करने से पहले परसेंटेज वाले फॉर्मेट में क्लिक कर देना होगा ताकि टाइप करते परसेंटेज का सिंबल ऑटोमेटिक लग जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे कलीग थे जो कि मुझे एक डेटा भेजते थे, और डेटा में क्या करते थे, परसेंटेज का हेडिंग दे देते थे और इस तरह से वो नंबर भेज देते थे। क्या करते थे, मुझे इस तरह से नंबर भेज देते थे। ठीक है, जी अब मुझे क्या करना है, जी इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करें? तो मेरे पास दो तरीका है। पहला कि मैं एक ही क्लिक करूं और यहां पे परसेंट का सिंबल लगाते जाऊं इस तरह से। अब डेटा आपके पास थोड़ा सा छोटा डेटा है तो कर लीजिएगा, लेकिन बड़ा डेटा हुआ 10-20 हजार का डेटा हुआ जो अभी मैंने दिखाया आपको, वहां मुश्किल होगा, कर ही नहीं पाएगा, कई दिन लग जाए। ठीक है, तो यहां पे क्या करें, जी सिंबॉल तो यहाँ पे दूसरा तरीका है कि इसको हम जो है देश क्या, अगर मतलब डायरेक्ट सिंबॉल की सिंबल भी यूज, यूज कर सकते हैं डायरेक्ट सिंबल यूज करेंगे तो क्या होगा, ये 46,000 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फोर्टी सिक्स अच्छा हंड्रेड हुआ, क्योंकि हमने क्या होता है एक्सेल में अच्छा वन इक्वल टू अच्छा 100% होता है, अभी बताया ना आपको चीज मैंने, आप हाँ, हाँ वन इन हाँ टू वन इन हंड्रेड टू हो हंड्रेड हो जाएगा जाएगा, 1 इक्वल टू 100 होता है, तो 46 इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई 100, इवन 46 100% हो जाएगा। लेकिन हमें तो नॉर्मल 46% चाहिए ना, चाहिए क्यों, हाँ क्योंकि हाँ हाँ मान लीजिए मुझे 500 का 46% चाहिए, तो 46 अगर अच्छा परसेंट फॉर्मेट में है इस तरह से तो मैं मल्टीप्लाई करके अच्छा रिजल्ट ले लूंगी। लेकिन 46 अगर जनरल इसमें है, 46 इन द 46% में नहीं हो, मतलब कि नंबर में, तो मैं इसके ऊपर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट गलत आएगा। गलत आया तो मुझे अपने फॉर्मूले को चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी जो कि मैं नहीं करना चाहता। मुझे फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने का दो तरीका है, या तो मैं मैनुअली जाकर परसेंट का सिंबल लगाऊं या फिर इसको डेसिमल परसेंट में कन्वर्ट करूं, डेसिमल में कन्वर्ट करूं।
डेसिमल से ज्यादा डेसिमल से इजी हो ज्यादा इजी जाएगा हो ना। जाएगा ना। अब डेसिमल फिर मैनुअल करना पड़ जाएगा ना, 0.29 करेंगे यहाँ पे, 0.78 करेंगे। अगर डेटा 10-20 हजार ओके हुआ तो ये भी आपका हालत खराब कर देगा। जल्दी जी हाँ, तो करेंगे तो हम उसी तरीके से डेसिमल से, लेकिन हम प्रोसेस डेसिमल मैनुअल कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम इससे पहले जो आपको एग्जाम्पल बताएं इसी मेथड का यूज करें। हम एक सेल पे 100 को टाइप करेंगे। अब इस 100 को कॉपी किया और पूरे सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हम करेंगे डिवाइड। हर नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा? डेसिमल्स, और यहां पे हमने परसेंट का जी सिंबल लगा दिया है, ठीक है। परसेंटेज अब यही फर्क है कि एक टीचर जब आपको पढ़ाएगा तो इस तरह से पढ़ाएगा, लेकिन जब एक प्रोफेशनल पढ़ाएगा तो रियल टाइम प्रॉब्लम के साथ फेस पे पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो एडवांस एक्सेल इसी को कहते हैं। एडवांस एक्सेल इसी कहते हैं कि चीजों को तोड़ मरोड़ कर अलग तरीके से आप अपने काम के हिसाब से यूज करो, दैट कॉल एडवांस एक्सेल। अब कुछ लोग कहते हैं सर वी लुकअप हम 10 मिनट में पढ़ा देते हैं, तो मैं बताऊं मेरे पास है वी लुकअप के 3 घंटे की क्लास। क्यों? कि आपने वी लुकअप पढ़ा दिया है कि वी लुकअप फलाना काम करता है, लेकिन आपने ये तो नहीं पढ़ाया ना कि वी लुकअप कहाँ कहाँ क्या काम करता है और क्या क्या होने पे वी लुकअप काम नहीं करता है। और जब वी लुकअप काम नहीं करता है तो उसको किस तरीके से काम करवाना है। बात समझ रहे हैं? ये सब चीजें हम कवर कर लेंगे। यस तो मेरे पास इसके लिए दो कोर्सेज आपको जो मैंने व्हाट्सएप भेजा है, देखा होगा आपने। एक कोर्स हमारा ये डेटा एनालिसिस का है और एक कोर्स हमारे पास एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला का है। ये दो कोर्स दिख रहा है, एडवांस एक्सेल जी विद फॉर्मूला और दूसरा है एडवांस एक्सेल डेटा एनालिसिस। दोनों को समझते हैं। एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला की बात करें तो आप एक्सेल के जितने भी फीचर्स हैं उसको आप देखेंगे, ठीक है ना। एक्सेल के अवेलेबल जितने भी फीचर्स है, ग्रेटर देन 300 फॉर्मूलेज और बाकी सारे चीज में हम कवर करें, ठीक है। और डैशबोर्ड की बात जी रही तो अब मैं श्योरली बताऊं कि मैं एक या दो डैशबोर्ड ही कवर कर पाऊं, एक या दो डैश एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप डैशबोर्ड बना सके। तो इस कोर्स की ड्यूरेशन आपको पड़ेगी, जो मैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, जो 1 से 1.5 महीना, इसकी फीस पड़ेगी 7,500। मंडे टू फ्राइडे 45 मिनट से 1 घंटे की क्लास मिलेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि डैशबोर्ड कंप्लीट करें तो पहले वाला कोर्स जो कि लेटेस्ट कोर्स है, एक्सेल 2021 के ऊपर डिपेंड है, इसके अंदर 500 के आसपास फॉर्मूले, कंप्लीट पावर क्यूरी, और साथ में अभी जो डैशबोर्ड दिखाया, ऐसे 15 से 20 डैशबोर्ड आपके साथ कवर करते हैं। एक डैशबोर्ड को बनाने में 1.5 से 2 घंटा का टाइम लगता है पढ़ाने में, तो आपको 15 से 20, मतलब कि आपको 30 से 40 घंटे, माने कि 30 घंटे मान लीजिए कि आपको 30 घंटे तो आपको सिर्फ सिर्फ डैशबोर्ड पे दिए जाते। 30 घंटे मतलब कि 1 महीना, ठीक है। तो ये आपका जो है डैशबोर्ड की क्लास भी होगा। अब आपके ऊपर चूज करना है कि आप ए वाला कोर्स लेते हैं, एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला या डैशबोर्ड। एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला आप लेते हैं तो आपके पास चैलेंजेस क्या होगा, जब ऑफिस में जाएंगे रिपोर्ट डैशबोर्ड बनाने की बात होगी तो आप एक फंटास्टिक डैशबोर्ड बनाने में आपको 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस लग जाएगा। मतलब कि आप धीरे 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 जो एक्सेल में चीजें सीखा है उसको डैशबोर्ड में इम्प्लीमेंट करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन हाँ 6 महीने अगर आप अच्छा से करते हैं तो 6 महीने, नहीं तो साल भर का टाइम लगेगा आपको चैंपियन बनने। तो डैशबोर्ड में मतलब जितना जितना भी बटन्स है, रिबन्स है, वो सारे के बारे में वो मतलब सब डिटेल दोनों में में बताया जाता रिबन सारे कवर होंगे दोनों कोर्स में। मोस्टली फॉर्मूला भी कवर होगा दोनों कोर्स। ऊपर वाले कोर्स में आपका डैशबोर्ड कवर हो जाता है 15 से 20, जी। जो कि ऑफिस में आपको ज्यादातर यूज करना हो, समझ गए ना। जी अच्छा तो ये होगा कि आप अगर एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला लेते हैं तो आपको 6 महीने से 1 साल लगेगा एक्सपर्ट होने में, ठीक है, ऑफिस के अंदर काम करते हुए जी सीखने के बाद।
कुको वाला कोर्स लेते हैं, ये नहीं कहता कि आप एकदम एक्सपर्ट बन के लिखोगे, मतलब यहाँ से आलू डाला उधर सोना निकल गया वाला बात नहीं होगा, यहाँ भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम जो है हाँ साल सप्लाई भर चेन नहीं, बिजनेस 3 से 6 महीने का टाइम लगेगा एक्सपर्ट बनने में आपको, जल्दी बन जाए, क्योंकि कई सारे डैशबोर्ड्स की जो पैतरे हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो कलरिंग है, जो जो स्ट्रक्चर्स है, वो हम आपको काफी डिटेल में समझाएंगे, जो कि आपको ऑफिस के अंदर में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना होगा, ऑफिस के अंदर 5 साल में रिपोर्ट बना लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है।